दिल से का कोई सवाल Your search ends here. हाँ जी बेंद्र भाइयों, ये हेड वॉइस श्वेता और जतिन के संग, और बेंद्र भाइयों वेनसडे यानी कि पी के सबरवाल साहब का डे। बेंद्र भाइयों आप स्टूडियो में जरूर कॉल कीजिएगा, हम लाइंस ओपन कर रहे हैं। 4165930055 है स्टूडियोज के नंबर, 4165930055। पी के सबरवाल साहब हमारे साथ जुड़, और बेंद्र भाइयों आपको बता दे कि पी के सबरवाल जी टीम सबरवाल.com है उनकी वेबसाइट। वेदर यू आर लुकिंग टू सेल योर करंट होम, फाइंड योर ड्रीम होम इन द ग्रेटर टोरंटो एरिया और एक्सप्लोर द लेटेस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स, पी के सबरवाल जी और उनकी टीम से एक बार बात और मुलाकात जरूर करें। मल्टीपल अवार्ड विनर्स, हाई वॉल्यूम प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, और बहनर भाइयों उनकी टीम इतनी जबरदस्त है कि आप भी जब उनसे मुलाकात करेंगे तो कहेंगे वाह क्या बात है। आइए चलते हैं उन्हीं के पास। सबरवाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। जतिन भाई गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच फॉरिंग मी ऑन द एयर सर। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है सर। और बहेंद्र भाई स्टूडियोज के नंबर 4165930055 आपके सवालों का स्वागत है। आइए चलते हैं सबरवाल जी, एक कॉल से ही शुरू कर दे तो आज। जी 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 हाँ जी, तो आइए लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो रिट वॉइस, ऑफ द एयर सुनना चाहते? ओके हाँ जी बहेंद्र भाई, आइए चलते हैं सबरवाल जी के पास। सबरवाल जी प्लीज बताएं। जी जतन भाई, जैसे हम पिछले दो तीन हफ्ते से बात लगातार कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट की कम होने की, अब इसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, 5 जून को इंटरेस्ट रेट कम होने की बात हो रही है। अब ये कहा जा रहा है एनालिस्ट, अलग अलग इकोनॉमिस्ट, ये जो हालात इसका जो बन रहे हैं, जिस हिसाब से डेलिक्वेंसीज आने वाली हैं, जिस हिसाब से ये 76% ऑफ आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज की रिन्यूअल आने वाली है, जिसको कह रहे हैं कि शॉक लगने वाला है, किसम से उनको रेनुअल शॉक लगने वाला है, और जो झटका बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जिस हिसाब से कमर्शियल बिजनेसेस का 87% जंप आया बैंकरप्सीज में, और जिस हिसाब से अब क्रेडिट कार्ड के बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं और वो यूज किए जा रहे हैं, अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग बैंक्स की और जो आ रही हैं, और ये सब ते हुए अब ये माना जा रहा है 65% चांस अब हो चुके हैं 5th of June को इंटरेस्ट रेट कम होने के, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि बैंक ऑफ कैनेडा मे कट रेट्स 3 times बिफोर US फेड कट्स। अच्छा। 3 बार, कहा ये एक बार भी नहीं सोचा जा सकता था, हम उनको फॉलो करते थे, अब कह रहे हैं कि 3 बार तक, यहाँ तक क्लियर कह दिया, सेंट्रल बैंक इज विलिंग टू लेट लूनी वीकन, चाहे लूनी सस्ती हो जाए, इन्फ्लेशन को उन्होंने टेम करना है, पकड़ना है, और हालात इस वक्त हमारे डिफरेंट है, कर्जे बढ़ चुके हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के, लोग दे नहीं पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज किए जा रहे हैं और उसकी पेमेंट भी मुश्किल हो रही है, तो अब इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस 5th June को ज्यादा हो चुके हैं। वंडरफुल, एक खबर भी आई थी सबरवाल जी की, कनाडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉर्पोरेशन की खबर थी कि जो कनाडा कंट्री की टोटल रेसिडेंशियल मॉर्गेज डेट है वो 2.16 trillion तक पहुंच गई है एज ऑफ फेब्रुआरी, और ये अप है 3.4% ईयर ओवर ईयर, इसका क्या मतलब हो सकता है हाउसिंग मार्केट? सर देखो, ये कर्जा जो है ना ये बहुत खतरनाक है, और यहाँ पर हाउस होल्ड जो 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 कर्जा है वो इस डेंजरस लेवल पे पहुंच चुका है कि बैंक ऑफ कनाडा को ये इंटरेस्ट रेट कम करना ही पड़ेगा। ये देखो बात यह है कि जब आप क्रेडिट कार्ड के कर्जे उठाने शुरू कर देते हो जिसका 26-26, 20-20, 25-25, 30-30% ब्याज है, तो समझ लो कि अब आपको एक स्ट्रांग स्टेप लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे घर बेचो, यहाँ घर भी कैसे बेचे, घरों के अंदर भी कीमतें कितनी गिर चुकी हैं इस वक्त, तो ये सब जानता है बैंक ऑफ कनाडा, ये सब सरकार जानती है, और इसीलिए अब ये स्टेप उठाए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि एक बार इंटरेस्ट रेट कम होने से 0.25% कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑन एन एवरेज $100 per month का फर्क पड़ेगा टोरंटो जैसी जगह में, और ऑल ओवर कनाडा को अगर देखो तो $37 का फर्क पड़ेगा, नथिंग। ये तो दो तीन क्वार्टर लगातार जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, जिसकी उम्मीद भी है, तब जाके कुछ हालात सुधरते हुए नजर आएंगे, नहीं तो जिसे कहते हैं हमारा यहाँ डेट लेवल, हमारा ही क्या, हमारी सरकार के डेट लेवल इतना बढ़ चुका है। हाँ जी, हाँ जी। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, चाहे हमारी लूनी सस्ती हो जाए। बहुत क्यों, 4165930055 है स्टूडियो के नंबर, पी के सबरवाल जी से आप सवाल पूछ सकते हैं 4165930055। सबरवाल जी फर्स्ट टाइम होम बायर से वो सोचते हैं कि नए कंस्ट्रक्शन में बुकिंग करवाई जाए
या फिर जो रीसेल है उसमें जाए, लेकिन उससे पहले हम एक श्रोता की ओर जरूर जाना चाहेंगे। हेलो रीड वॉइस। हाँ जी सबरवाल जी, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक ठाक है जी, बिल्कुल। आपकी आवाज से लग रहा है ये नूर है, मिस्टर नूर। जी जनाब, मैं ही हूँ, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। जी नूर साहब, बताइए। आप घूम रहे होते हैं, कभी हम घूम रहे होते हैं, अब क्या करें। जी 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 यही है, चिड़िया रैन बसेरा, आना जाना लगा रहता है। ठीक है, अभी ये सवाल मेरा कि देखिए, अभी लोग काफी एक्साइटेड है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, और ये जो कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि ये यूएस से पहले 3 दफा कम करेंगे, एक तो ये दो चीजें, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, आपकी भी काफी ग्रिप है चीजों पे। बाज दफा ये डिसीजन देर से करते हैं, बाज दफा ये डिसीजन वक्त से पहले करते हैं। ठीक है, एक तो ये बात है, आपकी क्या राय है कि ये डिसीजन जो करने जा रहे हैं? मैं सीधी सी बात है नूर भाई, बात ये है कि हर चीज का एक टाइम होता है ना। आदमी कई बार सोच रहा होता है कि चलो जी अब हमारा जो है थोड़ा और रुक जाते हैं, इन्फ्लेशन और, अब देखो हमारा इन्फ्लेशन 2.7% तक आ गया। अब देखिए अगर आप बाकी कंट्री देखें, अब ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए 3 से ऊपर है, यूके का 3.4 है, अब यूएस का हमारे से ज्यादा है, तो उनका नहीं इतना ज्यादा घट रहा, हमारा घट गया, तो हम क्यों ना पहले स्टेप ले लें। नहीं, मैं तो खैर जाना चाहिए, मेरी राय ये है कि इनको और थोड़ा सा रुक के होल्ड करके, क्योंकि एक दफा इन्होंने कम कर दिया ना, वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं सर, मेरी भी मुलाकात होती है लोगों से, मेरी भी इनसे मुलाकात होती है, मैं भी देखता हूँ। देखिए इन्फ्लेशन का, मैं सीधी सी बात है, मॉर्गेज कॉस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है इन्फ्लेशन के अंदर। अच्छा, अभी मेरा मॉर्गेज कॉस्ट कम कर देंगे तो नेचुरली उसका भी पॉजिटिव असर पड़ेगा इन्फ्लेशन के ऊपर। मेरा इस पे रियल इस्टेट पे सवाल है कि अभी जैसे आप कह रहे हैं कि 64% जो है लोगों की मॉर्गेज आ रही है, यकीनन वो उनमें 76% की आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज रिन्यू आ रही है। जी हाँ जी हाँ जी, लोग जो है उसमें से अपनी प्रॉपर्टीज को बेचने की कोशिश करेंगे, और मार्केट में ये जो इन्फ्लेशन, ये जो इंटरेस्ट रेट कम होने का इम्पैक्ट आने वाला है कि प्रॉपर्टी की प्राइजेस बढ़ेगी या जो भी स्टेबल होगी, तो जब एक्स्ट्रा सप्लाई लाइन में आ जाएंगे जो प्रॉपर्टी बेचने के लिए लोग, आपकी क्या, आप जी मैं बताता हूँ, शॉर्ट में लंबा हो गया क्वेश्चन। सप्लाई तो अभी भी ज्यादा है, सप्लाई अभी भी ज्यादा है, अभी भी बायर्स मार्केट में अंदर है। ये कहावत है कि इट इज बायर्स मार्केट विदाउट बायर्स, वो जो बायर बैठे हुए हैं ले नहीं रहे, वो इंतजार कर रहे हैं इंटरेस्ट कम होने की, जो एक्स्ट्रा सप्लाई है ये कंज्यूम होगी, और मार्केट जो है जो डोल्टर में गई हुई है वो संभलेगी। ये मेरा जवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया नूर साहब, हम चलेंगे आगे। और सबरवाल जी, न्यू कंस्ट्रक्शन में जाए या रिसेल में जाए, जो फर्स्ट टाइम होम बायर से, उनके मन में ये सवाल जरूर होगा, आपकी क्या राय? देखिए सिंपल सी बात है, फर्स्ट टाइम होम बायर को मैं एक सीधी से सलाह देता हूँ, जो आपको देखो क्या होता है, बात सिर्फ फर्स्ट टाइम बायर की नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। उनको जहाँ देखो, कईयों क्या होता है, किसी को घर पसंद है, किसी को कॉन्डो पसंद है, किसी ने देखना है कि मेरी अफोर्डेबिलिटी बड़ी है, कोई कहता है मेरी अफोर्डेबिलिटी डाउनटाउन में, कोई कहता है मेरी अफोर्डेबिलिटी चलो पील रीजन के अंदर है, ये हरेक की अलग अलग जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा जब छोटा परिवार है, यंग कपल है, ज्यादातर फर्स्ट टाइम बायर यंग कपल होते हैं, उनको पहले कांडो की लाइफ जी लेनी चाहिए, एक 5-स्टार होटल की लाइफ जी लेनी चाहिए, जहां पर उनको वहीं पर पूल, वहीं पर हेल्थ क्लब, वहीं पर सब कुछ। जब बच्चे होंगे तो बच्चों के हिसाब से, बच्चों के स्कूल के हिसाब से फिर उनको आगे चेंज करना पड़ेगा, लेकिन पहले वो शुरुआत छोटे से शुरू करें, शुरू में ही जब उनके खेलने घूमने फिरने एंजॉय करने का टाइम है बच्चे पैदा होने से पहले, वो पहले ही घरों की जिम्मेवारी में ना पड़े, छोटा सा कॉन्डो लेके कुछ लेके एंजॉय करें 5-स्टार होटल टाइप, उसके बाद जब बच्चे होंगे तो प्लान करें अपनी जिंदगी किस घर में जाना। वंडरफुल, जानते हमारे ये श्रोता की बात, चलते हैं उन्हीं के पास। हेलो रीड वॉइस। हेलो। हाँ जी, आप एयर पर है, पूछिए। जी पीके सर, हाउ आर यू? जी सर गुड सर, थैंक यू। मेरा एक सवाल है, तो मेरे पास वेरिएबल मॉर्गेज है, दो मॉर्गेजेस है, एक मैं रहता हूँ, दूसरा वाला है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, राइट? तो बोथ दीज मॉर्गेजेस में अभी ऑलमोस्ट 3.5 years बचे हुए, और वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है अभी फिलहाल, वेरिएबल है। आपकी वेरिएबल बहुत आगे चली गई होगी, प्राइम माइनस कितना था दोनों में? प्राइम माइनस एक्चुअली इतना अच्छा रेट नहीं है, 0.5 है, और एक दूसरा का मतलब हो गया आप 6.7% इसको उनको पर ब्याज दे रहे हैं। अच्छा आगे बताइए, रेनुअल अभी 3.5 साल बाद पड़ी हुई है, आगे बताइए। 6.7 एंड 6.8 समथिंग लाइक दैट। जी 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 जी, बैंक फिक्स दे रहा है 3 इयर्स का, 5.1 एंड 5.12। बहुत सुंदर है, मैंने अभी सुबह के शो में भी कहा था, आपको 3 महीने के इंटरेस्ट का लॉस है, इमीडिएटली खत्म कर देना चाहिए आपको, 5.1 के ऊपर आप नेगोशिएट करो। मैंने बैंक को लोगों को 4.95 में भी देते हुए देखा है, 3 साल का फिक्स,
एटलीस्ट, ये पिछले हफ्ते की बात है, 5.1 से ऊपर मत जाना और उसको ये करके 3 महीने का इंटरेस्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, ले लो। नहीं वो बेसिकली वो 3 महीने का इंटरेस्ट भी नहीं देना होगा, बिकॉज कन्वर्ट कर देंगे उन लोग, ट्रांसफर कर देंगे फ्रॉम वेरिएबल टू फिक्स। देखिए वेरिएबल टू फिक्स कन्वर्ट कर देंगे तो ये तो और अच्छा हो गया ना आपके लिए। हाँ। जो कि मैं मानने वाली बात नहीं है, लेकिन आप कर लो, इमीडिएटली कर लो। ओके थैंक यू। और अभी इंटरेस्ट रेट तो गिरने वाला है ना, फिर कितना गिर जाएगा मुझे बताइए ना। अभी आपका अभी से जो आपका फर्क पड़ रहा है 1.6 का पड़ रहा है, 1.6 का मतलब होता है कि 6 बार से ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम होगा, तब जाके आप आज ही उसका बेनिफिट उठा रहे हो। बहुत सही, बार गिरेगा तब जाके, तब भी आपका ये सस्ता पड़ेगा, 6 बार गिरेगा तो 1.5, अभी आपका 1.6 का फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क है, आप इमीडिएटली कर लो, इसलिए मैंने कहा। और ऊपर से आपसे पेनल्टी नहीं ले रहे, ये तो और भी अच्छी बात होगी, इसको दोबारा पूछ लीजिएगा, मुझे लगता है वो लेंगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, ले लीजिए। साथ में जतिन भाई मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, ये जरूरी है देना क्योंकि मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो इसके लिए सेकंड ओपिनियन जरूर ले लें। थैंक यू सो मच। बट आपका वही ओपिनियन मेरे को चाहिए था, मुझे पता है आप नहीं है मॉर्गेज ब्रोकर, बट आपका जो ओपिनियन बहुत अच्छा रहता है, एवरी टाइम आई लिसन टू यू एवरी वेडनेसडे, एंड थैंक यू, आपका इन्फॉर्मेशन देते हैं बहुत ही बहुत ही। थैंक यू सर। आपका नाम बता देंगे क्या है? अली। अली जी थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया अली जी। बहनर भाई और स्टूडियोज के नंबर 4153005 आपके सवाल, पी के सबरवाल साहब के जवाब। हाँ सबरवाल जी प्लीज बताइए। जी देखो जैसे अली साहब ने कहा, इंटरेस्ट रेट ये नीचे करने का एक कारण बहुत ये भी है, अफोर्डेबिलिटी लोगों की इतनी खराब हो चुकी है कि अभी एक रिसेंटली जो अभी रिपोर्ट आई है एक कि 40 ईयर तक की एज के ज्यादातर लोग हैं, लेकिन बहुत इसके अंदर हर एज के लोग इन्वॉल्व हैं, वो बड़े बड़े शहरों को छोड़ के सबर्ब्स में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? घर ही नहीं ले पा रहे हैं। अब अगर उनको लगता है कि ये सबर्ब्स में जाए, यहाँ पर जो घर 1 मिलियन का है, सबर्ब में जाके आधे प्राइस में मिल रहा है, तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सिर्फ टोरंटो के अंदर ही एक साल के अंदर 93,000 पीपल छोड़ के निकल चुके हैं बाहर। Wow. 93 सिर्फ एक साल के अंदर, फ्रॉम July 1, 2023 से अब तक 93,000 पीपल बाहर निकल चुके हैं। और वो कह रहे हैं जी कम से कम अपनी छत तो घर तो, और ज्यादातर ये वो लोग हैं जिनको होम ऑफिस से काम जो कर रहे हैं, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या ट्रकिंग वाले हमारे बहन भाई हैं, या ऊबर वाले गाड़ी वाले अपना जैसे कहते हैं कोरियर सर्विस वाले, या कोई स्टोर वगैरह खोल के वो लोग जो वहां निकल चुके हैं, क्योंकि कहते हैं घर तो मिलेगा, और प्लस ये जो सबर्ब्स में जा रहे हैं उनमें प्राइस का जंप भी ज्यादा होगा। उन्हें जंप भी ज्यादा होना है क्योंकि वहां पर अभी बहुत कुशन पड़ा हुआ है जंप होने के लिए। और दूसरी तरफ यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे अब कैलगरी वगैरह, अल्बर्टा वगैरह, एडमिंटन वगैरह, वहां पर 46,000 लोग एक साल में ज्यादा आए हैं माइग्रेंट। ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, और जो कि एक जायज भी है, ये एक नया पैटर्न है जो कि हमको देखने में मिल रहा है। मेरे खुद कई लोग मेरे से अब कैलगरी में भी घर ले लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी सलाह दूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं इतना ज्यादा वहां पर वो नहीं हूं जितना अगर आप मूव कर रहे हैं तो, यस वहां पर अगर मूव कर रहे हैं तो इट्स अ गुड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। वंडरफुल। आइए सीधे चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी सर पूछिए प्लीज। हाँ जी मेरा है ना मॉर्गेज रिन्यूअल आ रहा है अभी July 15th को, मेरा सेमी डिटेच हाउस है, तो मेरा अभी फिक्स टर्म पे है, मैंने लास्ट ईयर एक साल के लिए फिक्स करवाया था मेरा मॉर्गेज। क्या रेट था? 6.2 समथिंग। चलो 6.2 था, एक साल के लिए करा लिया था आपने जी। तो अभी मैं वेरिएबल मॉर्गेज के लिए जाऊं कि अभी फिक्स पे जाऊं? देखिए सिंपल सी बात है, आप वेरिएबल और 3 ईयर इसके ऊपर तो जाना मत, 3 ईयर और वेरिएबल। जैसे मेरे से पहले वाले भाई साहब आए थे, अगर आपको इस वक्त बैंक कोशिश करेगा आपको फिक्स में बांधने की, क्योंकि उनको पता है इंटरेस्ट रेट कम आ रहे हैं। देखिए बैंक लेंडर अपने लिए काम करता है, आपके लिए नहीं। जब आपको लेंडर दे रहा है ना कि वेरिएबल ले लो माइनस इतना दे देंगे, तो यानी कि उनको पता है कि प्राइम बढ़ने वाला है, जो लोगों के साथ हुआ आज से 2-3 साल पहले, जब बैंकों ने उनको कन्वर्ट करके वेरिएबल में पकड़ा दिया, सारे इस वक्त बुरे हाल में गए हुए हैं, क्योंकि उनको आज जो बैंक बोल रहा है फिक्स ले लो यानी कि उनको पता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाले हैं। इसीलिए आपको ये देखना है, मेरा मानना है अगर आपको 3 ईयर फिक्स 5% या 5.1 तक मिल जाता है, या आपको वेरिएबल प्राइम माइनस 1 तक मिल जाता है,
यानी कि 6.2, तो दोनों से जो मर्जी चूज कर लीजिए, दोनों में से जो मर्जी चूज कर लीजिए। मुझे अभी बैंक से ऑफर है प्राइम माइनस 1.01। हाँ देखा, वो कह रहे ना, अब आप वेरिएबल पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा शुरू के 4-5 महीने और 4-5 क्वार्टर, नॉट महीने, आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये कम आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा ने क्लियर कह दिया कि उनका टारगेट है कि ओवरनाइट रेट वो 2025 के आखिर तक 3% लेकर आएंगे। तो ये दोनों में से अब आप सिक्का उछाल लो और मेरे नाम की एक कप चाय पी लो, 5.1 या 6.2, दोनों बराबर आ गए, अब दोनों बराबर आ गए। ओके, चाय पीने का इंतजार करेंगे फिर। आप आ जाओ मेरे ऑफिस में, जम्बल जी इकट्ठे पीते हैं दोनों भाई। ओके जी, हम समोसा लेकर आ जाएंगे। जी, ये और भी अच्छा हो जाए भाई, एक अच्छी कंपनी और भी हो जाएगी हमारे साथ, ठीक है ना। जी जी जी, सही है, सही है। थैंक यू जी, बड़ा शुक्रिया। आप बता दीजिए भाई साहब। मेरा नाम पार्थ है जी। पार्थ, थैंक यू। ओके, थैंक यू भाई। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ। वैसे पार्थ यानी कि अर्जुन का भी दूसरा नाम पार्थ है, तो आज हमें बहुत खुशी हुई कि अर्जुन से बात हो गई। सबरवाल जी, प्लीज हमारे श्रोताओं को एजुकेट करें। कई लोग, सबरवाल जी, एक वक्त था जब जीटीए से बाहर निकलना मतलब पिकरिंग या एजेक्स जाना या फिर किचनर तक जाना, लेकिन अब लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं? देखो, वो उसको आउटस्कर्ट मानते थे। मैं जब आया था तो हम लोग मिसाको को भी बोलते थे बाहर चले गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मिसाको को भी बाहर चले गए, और अब जो है बैरी भी बाहर नहीं है, लिंडसी भी बाहर नहीं है, पिकरिंग तो खैर शहर के अंदर ही आ गया, किंगस्टन को थोड़ा बहुत बाहर कर लो, वो भी नहीं है, बोमनविल वगैरह ये सारा अंदर आ गया, नियाग्रा को भी अब बाहर नहीं कहते। देखो, ऐसी शहर बढ़ते हैं, ऐसी शहर बढ़ते हैं, हैमिल्टन को सा बाहर रह गया अब, तो ये ऐसी शहर बढ़ते हैं। जब हम ब्रैनफोर्ड को बेच रहे थे और ब्रैनफोर्ड एक घंटा मिसागर मेरे ऑफिस से लगता है, तो हम कह रहे थे और इतनी दूर, जब मैं बसेस वगैरह लेकर वहां पर गया था, आज वहां पर देख लीजिए 1.5 मिलियन के मकान हुए पड़े हैं। तो ये धीरे धीरे शहर इसी हिसाब से बढ़ते हैं, और मैं कहता हूँ कोई हर्ज नहीं है, अगर आपकी जॉब, आपका रहना सहना आपको अलाउ करता है बाहर निकलना, वहाँ पैसा ज्यादा बढ़ेगा आपका, मैं कहूँगा। वंडरफुल बेंदर भाई, स्टूडियोज के नंबर 4165930055, हमारे पास 1-2 मिनट अभी भी है, आप कॉल करना है तो जरूर कॉल करें। मीनवाइल सबरवाल जी, आपके प्रोजेक्ट्स तो चलते ही रहते हैं, इसकी हाइलाइट्स देना चाहे तो हमारे श्रोता को जरूर बताएं। जी 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 चेतन भाई, बात ऐसे है कि मैं बार बार ये बात कह रहा था, अभी भी पिछले 2 हफ्तों में मैंने करीब 12 ट्रांजेक्शन किए हैं 2 हफ्तों के अंदर। ये वो लोग हैं ज्यादातर ट्रांजेक्शन करने वाले, एक तो जो इन्वेस्टर थे जिनको पता है कि आज बिल्डर हमारे पीछे है, हमको डिस्काउंट दे रहा है, या वो हमारे बहन भाई हैं बायर जिनको पता है कि आज मार्केट सस्ती है, आज ले लो और आज सस्ते का फायदा उठा लो और कल हम इंटरेस्ट का फायदा उठा लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरने शुरू हो गए। जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट पूरे गिरने दो तब निकलेंगे, तब खरीदेंगे, तो तब प्राइस भी बढ़ चुके होंगे, फिर ये रोना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट गिर गया तो प्राइस बढ़ गया। अरे भाई, वो तो होना ही है, सीएमएससी की रिपोर्ट देख लीजिए, कह रहे हैं 20% प्राइस जंप होंगे, आरबीसी उससे भी ज्यादा कह रही है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग कह रहे हैं, तो ये तो होना ही है, टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड कुछ और कह रहा है, हाथ लगाना मुश्किल हो जाएगा। तब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई। आज खरीद लो, सेलर आपके पीछे है, रीसेल में सेलर आपके पीछे है, बिल्डर्स आपके पीछे है, ह्यूज डिस्काउंट्स, इसका बेनिफिट उठा लो और 10-15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने के अंदर इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा, उसका भी बेनिफिट उठा लो। इसलिए मैंने इनको, इन भाई साहब को बोला, पार्थ को बोला और अली को बोला, उनको मैंने बोला कि आप 3 ईयर फिक्स ले लीजिए, इनको बोला दोनों में से जो मर्जी ले लीजिए, क्योंकि इनका वेरिएबल कम है, प्राइम माइनस 1 है, तो इसका भी बेनिफिट उठा लीजिए। कल को जब इंटरेस्ट गिर जाएंगे, बाद में लेने निकलोगे, तो बस उसके बाद फिर ना इंटरेस्ट हाथ में रहेगा, घर तो हाथ में रहेगा नहीं, जब घर ही हाथ में नहीं तो उस इंटरेस्ट को चाटेंगे बैठ कर क्या। तो बहुत सही आपने। जी, ह्यूज डिस्काउंट्स, ह्यूज 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 डिस्काउंट्स, अनबिलीवेबल डिस्काउंट्स फ्रॉम द बिल्डर, जो आप सोच भी नहीं सकते, वो हम आपको बिल्डरों से दिला सकते हैं, और फ्रॉम रीसेल बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेगोशिएशन, वो हम करके आपको दिखा देंगे कि क्या नेगोशिएशन होती है। बहुत सेल इस वक्त हमारी शुरू हो चुकी है मार्केट स्लो होने के बावजूद, लेकिन इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, सोचते मत रहिए बाद में कहेंगे गाड़ी निकल गई। हाँ जी, बिंदर भाई, सबरवाल जी से एक बार बात और मुलाकात तो बनती है, अगर आपका बहुत ही जीन्यून क्वेश्चन है तो ही आप उन्हें टेक्स मैसेज करेंगे, हम सेल फोन नंबर उनका देना चाहेंगे 6472994757।
647-299-4757 और आप उनकी वेबसाइट भी जरूर विजिट कीजिएगा, आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी, teamsabharwal.com। सबरवाल जी, आप कम्युनिटी की जो सेवा करते हैं उसके लिए हम आपको प्रणाम करते हैं और दिल से कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच जतन भाई, और मैं जाते जाते एक लाइन जरूर कह दूं, योर प्रेजेंट डिफाइंस योर फ्यूचर। आज आपको कोई एक्शन लेना होगा कल के लिए, कल जाके आप उस दिन की बात करेंगे तो बोलेंगे यार मैं पीछे छोड़ आया। योर प्रेजेंट डिफाइंस योर फ्यूचर, आज एक्शन लो उसका फल कल लो, आज बीज लगाओ और उसका फल बाद में लो, वेट मत करते रहो नहीं तो पीछे रह जाओगे। थैंक यू वेरी मच जितिन भाई, बहुत सही कहा आपने, और आपकी वो लाइन भी याद आ गई कि इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट देन वेट, डोंट वेट एंड देन इन्वेस्ट। वाह क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू बाय।